नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून। स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां आप सुनते हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको मध्य प्रदेश की खबरें सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पहली खबर है, मध्य प्रदेश लड़ रहा है लेकिन इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अगली खबर है, CBSE 12th एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी। और तीसरी खबर है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, त्रुटि सुधारने की तारीख घोषित। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। पहली खबर है कोरोना को लेकर खबर आ रही है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 2 जून 2020 के अनुसार प्राथमिकता से ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के खिलाफ सफलतम लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। 8000 बी पॉजिटिव, 5221 मरीज स्वस्थ एवं डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन 10 से अधिक पॉजिटिव मरीज वाले जिलों की संख्या 52 में से 41 हो गई है। यह लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 5447 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 23 रिजेक्ट हुए, 5310 नेगेटिव, लेकिन 137 पॉजिटिव निकले। आज का औसत 2.51% है और यह आंकड़ा उत्साहवर्धक है। 5000 से ज़्यादा सैंपल की जांच के बावजूद इतना कम औसत राहत देने वाला है। पिछले 24 घंटों में डॉक्टर 6 मरीजों की जान बचाने में असफल रहे, मरने वालों की संख्या 364 हो गई है। 218 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अस्पतालों में इस समय 2835 मरीज इलाज करवा रहे हैं। इंदौर में 31 पॉजिटिव मिले, 39 डिस्चार्ज हुए, 3 मरीजों की मृत्यु के साथ 1403 एक्टिव केस बचे हुए हैं। भोपाल में आज 20 पॉजिटिव मिले, 1 की मृत्यु हुई और 79 पेशेंट आज डिस्चार्ज हुए। तो भोपाल में अब सिर्फ 429 ही एक्टिव केस हैं। इसी तरह अगर देखें तो नीमच में 24, जबलपुर में 10 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा किसी भी ज़िले में 10 से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल संख्या भले ही कम हो, लेकिन 51 में से 23 ज़िलों में आज भी पॉजिटिव केस मिले। एक्टिव केस के मामले में इंदौर 1403, भोपाल 429, उज्जैन 159 के बाद नीमच 154 चौथे नंबर पर आ गया है। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 ज़िले हैं जहां 100 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है CBSE की 12th की परीक्षा को लेकर। तो CBSE की 12th का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसको लेकर खबर आ रही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक आयोजित कराई जाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। इसमें त्रुटि सुधार की तारीख घोषित हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा आयोजित कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया अनलॉक हो गई है। अपलोड किए जाए डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि सुधार के लिए तारीख घोषित की गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्तियां दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पदों की सीधी भर्ती के तहत प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने अथवा पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों में हुई त्रुटि में सुधार करने अथवा सत्यापन के लिए पूर्व में चयनित जिले में
परिवर्तन की सुविधा एनपी ऑनलाइन पोर्टल पर क्रमशः 5 से 12 जून तक तथा 10 से 24 जून तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त तिथियों में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। तो ये थी आज की खबरें, कल मिलते हैं, धन्यवाद।